हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिरोज हाटिया एंड सन्स हाटिया आर्म्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन डीलर, सूरत, गुजरात। सो गाइस, आज हम बात करेंगे लामा पिस्टल के बारे में। ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो वो लामा पिस्टल है। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट मॉडल आता है। इसके ऊपर वेंटिलेटर रिट दिया गया है और साइट के ऊपर जो उसकी साइट है ये एडजस्टेबल साइट है। यहाँ पे साइट पे स्क्रू दिया है जिसकी वजह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट मॉडल आता है। ये भी लामा है, लामा स्पेशल। इसके ऊपर वेंटिलेटर रिड नहीं आता है और ना ही इसकी जो साइट है वो एडजस्टेबल है। ये पुश बटन में आता है। दोनों ही जो पिस्टल है दोनों पुश बटन में आते हैं। जैसे आप इसको लोड करते हो तो ये इसका सेफ्टी लॉक है। दोनों ही पिस्टल के अंदर सेम सेफ्टी लॉक है। इसमें एक और फीचर भी है, आप इसको हल्का सा पीछे ले लोगे तो फायरिंग पिन पे से टेंशन हट जाएगा और पिस्टल ऑपरेट भी नहीं हो पाएगा। सो गाइस, ये दोनों ही पिस्टल जो है वो काफ़ी अच्छे पिस्टल है। एक है लामा और लामा स्पेशल, मेरे तो दोनों ही फेवरेट है। और दोनों के ऑलमोस्ट सारे के सारे फीचर्स सेम है, सिर्फ वेंटिलेटर रिट और एडजस्टेबल साइट का डिफरेंस है। चलिए अब इसका लोडिंग और इसका फायरिंग देख लेते हैं, किस टाइप का इसका लोडिंग और फायरिंग है। अब हमने फायर कर लिया है। फायर करने के बाद ये जो है स्टैंड बाय मोड पे आ जाता है गन, ठीक है। और हमेशा एक हैबिट रखिए अपनी, जब भी आप अपनी गन फायर करते हो उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। क्लीनिंग किट हमेशा कैरी कीजिए और आप कहीं पे भी हो, चाहे सिंगल शॉट फायर करते हो चाहे मल्टी शॉट फायर करते हो, हमेशा उसको क्लीन रखिए। सो गाइस, ये थी लामा और लामा स्पेशल के बारे में कुछ डिटेल्स। हमारे पास वेपन थे तो हमने आपके लिए एक वीडियो बना लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।